हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की मसालेदार सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम करने को रखी हुई है और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। और इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम हमने यहाँ पर फूल गोभी ले ली है, जिसके हमने इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। और तेल में इस तरीके से चलाते हुए हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं गोभी जो हमारी है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, हमने गोभी को इस तरीके से निकाल लिया है। और यहाँ पर 3 हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसके हमने 4 टुकड़े कर लिए हैं एक आलू के, और इसको भी हम तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। जब भी आप आलू गोभी को फ्राई करके बनाएंगे तो इसकी सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आप भी जब भी बनाएं तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। तो अब इस तेल में हम डालते हैं प्याज। तो एक बड़ा प्याज हमने स्लाइस किया हुआ जो है वो हमने इसमें डाल दिया है, और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए, प्याज को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम प्याज के साथ चलाते हुए इसको हम भून लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से जो है सारी चीज़ें भून चुकी हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इन सारे मसालों को हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। आप चाहें तो गरम मसाला की जगह पर सब्ज़ी मसाला या किचन किंग मसाला जो होता है वो आप डाल सकते हैं, उससे भी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। और अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। तो 3 टमाटर को हमने अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया था, पीस लिया था, और ऊपर से हम नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें, जितना आपको टेस्ट लगता है नमक का उतना ही डालें। और इसको चलाते हुए हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, और आप देख सकते हैं तेल जो है बिल्कुल अलग होने लगा मसालों से। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए जो आलू हैं वो हम इसमें डाल देते हैं, और इसको भी अच्छी तरीके से मसालों के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। और हमें पहले आलू को ही पकाना है, तो हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं, ताकि हमारे आलू जो है अंदर से अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो इसको हम ढक कर लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही बनाएंगे। 5 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसका तेल जो है ऊपर आ चुका है, और टमाटर और अच्छी तरीके से जो है मसाले भुन गए हैं, और आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें गोभी डाल देंगे, फ्राई की हुई जो गोभी को हमने फ्राई किया था वो हम डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती पहले से डालेंगे तो जो हमारी ग्रेवी जो बनेगी उसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मसालों में हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से चलाते हुए। और फिर से हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं, ताकि हमारी ग्रेवी और गोभी आलू जो है आपस में अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और पानी, लगभग 1 कप के करीब हमने इसमें पानी डाला है। और यहाँ पर हमने ली है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिसको हमने भून लिया था, और हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालें। तो आप चाहें तो पानी और डाल सकते हैं, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसको हम गाढ़ी ग्रेवी रख सकते हैं, आप चाहें तो पतली ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पतली ग्रेवी ही बना रही, लेकिन आप चाहें तो गाढ़ी ग्रेवी बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो इसको अब हम ढक कर पकाएँगे 5 मिनट के लिए, इसको हाई फ्लेम पर ही पकने देते हैं। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं,
और अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये हमारी आलू गोभी की मसालेदार सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी आलू गोभी की मसालेदार सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको हमने सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये आलू गोभी मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।